वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की कढ़ाई यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल क्वार्टर कप ले लिया है इसको मैं गरम करके इसके अंदर एक चाय का चम्मच ज़ीरा और तीन साबत लाल मिर्चें डालकर इसको कड़कड़ा लूँगी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए साथ थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर मैंने एक कप चॉप्ड प्याज डालकर उसको लाइट ब्राउन कर लिया है इसके अंदर अब मैं एक टी स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर मेरे पास तीन बड़े टमाटर हैं उसमें मैंने एक का चम्मच नमक एक का चम्मच लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच काली मिर्च आध क्वार्टर टी स्पून हल्दी एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है अब मैं ये डालकर इसमें क्वाटर कप जितना पानी डालूँगी और मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी टमाटर मेरे गल जाए अच्छी तरह से भुन जाए तो मैं इसमें दो आलू चकोर काट के डालूंगी और अच्छे तरीके से भून लूंगी। देखिए मैं यहाँ पर आलूओं को अच्छे तरीके से भून रही हूँ मेरे आलू यहाँ पर भुन चुके हैं अब मैं इसके अंदर बैंगन चकोर काट के डाल रही हूँ एक पाव बैंगन है बैंगन मैंने यहाँ पर डाल दिया अब मैं इसको भून भूनूंगी यहाँ पर अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप जितना पानी डाल रही हूँ ताकि मेरे आलू गल जाए अब मैं इसको ढक कर हल्की आँच पर आलू गलने तक पकाऊँगी यह देखें ये मेरे आलू अभी नहीं गले हैं मैं इसको और पकाऊँगी अब मेरे आलू गल गए हैं और मेरा जो है तैयार हो गया यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी आपके पास हरा धनिया और हरी हो ज़रूर ऐड कीजिएगा मुझे दुआओं में याद रखेगा हाफिज़